देख रहे हैं YouTube चैनल ITI to CTI क्लासेज। मैं देवेंदर सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा गेज। कि गेज क्या होती है? गेज जो होती है वो एक निश्चित मापी औजार होता है, इसकी कोई रेंज नहीं होती। अर्थात हम गेज को जिस साइज का बनाएंगे वो उसी साइज की चेक करेगा, ठीक है। तो गेज क्या होता है? एक निश्चित मापी औजार होता है। जो गेज को बनाते हैं हम, उसके लिए कुछ धातु का प्रयोग करते हैं। उसमें गेज को बनाने के लिए हम हाई कार्बन स्टील को प्रयोग करते हैं, और यह इसे हार्ड और ग्राउंड किया जाता है। कुछ धातुएं जो कुछ गेजे जो घिसने का डर होता है, उसका प्रयोग वहाँ पर हम क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो गेजों के प्रकार होते हैं, गेज दो तरह की होती है, एक प्लग गेज होती है, एक स्नैप गेज होती है। जो प्लग गेज का मतलब होता है कि वे गेजें जिनके द्वारा हम अंदरूनी होल, यानी कि चाहे वो राउंड हो या स्क्वेयर हो, टेपर हो, जो अंदर होल हो उसको चेक करने के लिए जिस गेज का प्रयोग करते हैं उसे हम प्लग गेज कहते हैं। नंबर दो पे आता स्नैप गेज। स्नैप गेज क्या होती है? स्नैप गेज उन्हें कहते हैं जिसके द्वारा हम बाहरी ओडी डाया चेक करते हैं, जिससे हम आउटर डाया या फिर हम किसी की जो चौड़ाई लंबाई जो भी हम गेज से चेक करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्नैप गेज कहते हैं। यानी कि जिससे हम जॉब का बाहरी माप चेक करें वो होती है स्नैप गेज, और जिससे हम जॉब में बने होल या उसके अंदर किसी भी तरह का ग्रूव बना है उसे चेक करें उसे कहते हैं प्लग गेज। जो प्लग गेज होती हैं, सबसे पहले जो मैंने बना रखी है ये गेज है, जो ये गेज है ये एक नंबर, ये करते हैं हमें जो राउंड होल होते हैं उसे चेक करने के लिए। नंबर दो पे ये टेपर गेज, यानी कि जो टेपर में होते हैं उसे चेक करने के लिए, होल को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर तीन पे है ये स्क्वेयर को, इसी तरह जिस आकृति का होल होता है उसी तरह की हम गेज बना लेते हैं, ठीक है। आगे आता है कि स्नैप गेज। जो हमारी स्नैप गेज होती है वो सॉलिड स्नैप गेज होती है, यानी कि यह एक सी आकार की आकृति की होती है, ठीक है। और एक होती है डबल एंडेड स्नैप गेज। इसमें क्या होता है कि एक सिरा गो सिरा होता है और एक नॉट गो सिरा होता है, ठीक है। ये फिक्स साइज की बनी होती है। गो सिरा यानी कि जिसमें जॉब चली जाए आसानी से, ठीक है, और नॉट गो जिसमें नहीं जाए। गो सिरा वो होता है जो कि इसके जो जॉब का साइज होता है उसकी हाई लिमिट होती है, उसके साइज पर बनाया जाता है, ठीक है। और नोट गो सिरा वो होता है जो इसकी लो लिमिट होती है, यानी कि जो कम से कम साइज होता है उसमें बनाया जाता है ताकि उसमें जॉब न जाए, ठीक है। तो एक है कि ये लिमिट प्लग गेज। लिमिट प्लग गेज क्या होता है कि इसमें एक साइड गो सिरा बना हुआ होता है, एक साइड नोट गो बना होता है, ठीक है। गो सिरा होता है जो वो हमेशा लंबा होता है नोट गो से। क्या है? जो गो सिरा होता है, जैसे कि ये सिरा है, ये गो सिरा है, यानी कि जिसमें जॉब जॉब जो जॉब के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? गो सिरा है, ये लंबा होता है, और ये नोट गो है जो कि छोटा होता है। ये इससे भी हम इसे पहचान सकते हैं। ये है हमारी लिमिट प्लग गेज, ठीक है। तो इस तरह से आपने गेज को पहचानना है तो आपको पता चल जाएगा, जिससे हम जॉब का अंदरूनी भाग, अंदरूनी कोई साइज चेक कर रहे हैं, होल चेक कर रहे हैं, तो वो होती है प्लग गेजे, ठीक है। और यदि बाहर का जो आउटर डाया है या चौड़ाई है लंबाई है जो भी चेक कर रहे हैं जिससे जो हम गेज से, वो होती है स्नैप गेज, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक कि गेज क्या होती हैं और उसे यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।